कोविड-19 महामारी से न केवल जीव जगत बल्कि विकासात्मक कार्य भी प्रभावित हुआ है। इसी के मद्देनजर सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना में देरी होने की संभावना व्यक्त की गई है। दरअसल रेटिंग एजेंसी ICRA इकरा ने 10 जून 2020 को अपने जारी एक रिपोर्ट में बताया कि भारतमाला परियोजना 2021-22 तक पूरी की जानी थी, लेकिन अब 2025-26 तक इसके पूरा होने की संभावना है। फरवरी 2020 तक भारतमाला परियोजना के पहले चरण में 2.38 लाख करोड़ रुपए की लागत से 246 सड़क परियोजनाएं आवंटित की गई थीं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के लिए 2007 से 2019 के बीच भूमि अधिग्रहण की लागत तकरीबन 27% बढ़ी है। इकरा ने बताया कि इस महामारी के चलते संपत्ति मुद्रीकरण भी प्रभावित हो सकती है, जो NHAI ने टोल ऑपरेटर ट्रांसफर TOT के नीलामी के जरिए बनाई थी। इकरा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शुभम जैन ने बताया कि मार्च 2020 तक भारतमाला परियोजना की 16,219 किलोमीटर परियोजनाओं का आवंटन लंबित था। एक उम्मीद के तहत उन्होंने कहा कि 2021 में यह आवंटन 3,000 से 3,200 किलोमीटर तक हो सकता है। भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसमें नए राजमार्ग के अलावा अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा बंदरगाहों और सड़क, राष्ट्रीय गलियारों, नेशनल कॉरिडोर को बेहतर बनाकर और भी राष्ट्रीय गलियारों को विकसित करना इस परियोजना का अहम हिस्सा है। इसके तहत 51,000 किलोमीटर राजमार्ग के विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा देश के पिछड़े इलाकों, धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। आगे चलकर इसमें सभी मौजूदा राजमार्ग परियोजनाओं को समाहित कर लिया जाएगा। यह परियोजना करीब करीब देश के हर क्षेत्र को कवर करेगी। यह गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर पंजाब, हिमालयी प्रदेशों और तराई इलाकों के साथ साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में भारत म्यांमार की सीमा तक जाएगी। इतना ही नहीं, यह आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी का बेहतर जरिया बनेगी। इसके पहले चरण में 29,000 किलोमीटर का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना से देश में विकास की एक उम्मीद है, लेकिन क्या यह परियोजना गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा हो पाएगी, यह समय ही बताएगा।